Hello guys, so welcome to my channel DS Writes. So this is the video for the review of the Thea Stilton and the Mystery of Orient Express. So आज इस वीडियो में हम इस बुक की रिव्यू देखेंगे. आप यहाँ पे इसकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा. इस बुक का कॉस्ट है ₹325 फ्रॉम स्कूल एस्टेक जर्नी मो स्टिल्टन. इस बुक में एक्चुअली जर्नी मो स्टिल्टन आता नहीं है, थिया स्टिल्टन की बुक है. थिया स्टिल्टन एंड द मिस्ट्री ऑफ द ओरिएंट एक्सप्रेस स्कूल एस्टेक. ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैं इसको थिया स्टिल्टन की नंबर वन बुक कहूँगा. इसमें बहुत ही अच्छी मिस्ट्री होती है कि वेल ऑफ लाइट होती है एक गाउन, जिसको टोपकापी पैलेस म्यूजियम में पहुँचाना होता है, बट वो इस ट्रेन पर जारी होती है. और द कैट बर्गलर, वो एक थीफ है, उसने चैलेंज किया कि उस गाउन को चोरी करेगा. ये गाउन आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे थिया सिस्टर्स भी हैं. तो जो यहाँ पे होता है एक आदमी जो कि इन्वेस्टिगेटर है, मैलिक रेड थ्री, वो इस ट्रेन का इंस्पेक्टर होता है. उसका क्या कहना है कि नोबडी कैन स्टील दिस गाउन फ्रॉम दिस ट्रेन. और कैट बर्गलर कहता है कि मैं स्टील करूँगा. सो मैलिक रेड थ्री जो है वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज करता है. पहले वो क्या करता है, एक केस में इसको पैक कर देता है, और जब चोर चोरी कर लेता है तो उसको पता चलता है कि ये बस एक होलोग्राम था. और उसके बाद लास्ट का जो ट्रेन का कोच होता है उसको एक ये होता है सिक्योरिटी पुलिस, वो यूसुफ नाम का होता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. और वहाँ पे भी एक होलोग्राम रखा होता है, जबकि थीफ को लगता है कि डैट मस्ट बी रियल. और रियलिटी में वेल ऑफ लाइट पहुँचा जा चुका था पहले से, बस फूल थीव को पकड़ने के लिए उसे ट्रेन पे ऐसी मतलब फेक न्यूज़ बनाई थी. यहाँ पे आप चोर को देख सकते हो, चोर का नाम है दिमित्री और ये थिया सिस्टर्स पैमेला एंड निकी. सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा. और लास्ट में देखिए ये जेला मिटॉफ द बैलेट डांसर, इसने वेल ऑफ लाइट पहन के डांस किया था. एंड दीस आर द थिया सिस्टर्स, ये है इंट्रोडक्शन थिया सिस्टर्स की. दिस इज निकी, कॉलेटे, वॉयलेट, पॉलिना एंड पैमेला. और ये थिया सिस्टर्स के सस्पेक्ट से, इनमें से उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई तो चोर होगा, और चोर ये निकला दिमित्री. इस बुक में बहुत सारे क्लूज भी दिए हुए हैं कई जगहों पे, देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि दिमित्री ही चोर है. यहाँ पे आप देख सकते हो, उसने लास्ट कोच का छत फाड़ के अंदर घुस गया था, और ये उसका प्लान था भागने का. ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसे ज़रूर खरीदेगा. थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर डीएस राइट्स.